किसी को खास टारगेट करना, मैं समझता हूँ ये इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्या ये टेररिस्ट ने मारा है या हमारे लोगों ने मारा है। जब तक ये टेररिज्म बंद नहीं हो सकता होगा, तब तक कोई बातचीत हमारे पड़ोसी से नहीं होगी। मैं जरूर इंटरनेशनल प्रेशर देने को चाहता हूँ लगाया जाए कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बाहर की हो, इन्वेस्टिगेट करें कि ये क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है और बेगुनाहों को क्यों मारा जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां जो बार बार पाकिस्तान की बात करती हैं, 370 दोबारा लाने की बात करती हैं, वहां पर कश्मीर में लोगों में असमंजस की स्थिति पैदा करने की बात कही, वो भी कहीं ना कहीं कसूरवार है, इसके लिए ये मानना पड़ेगा। तो रात के 10 बजे और 36 मिनट पर हमने गोलियों की आवाज़ सुनी, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि कौन है और कहां से आया है। लेकिन फिर 4 या 10 या 15 मिनट के बाद अंदर से आवाज़ आई, इसकी मम्मी ने कहा कि मेरे बेटे को किसी ने गोली मारी, लेकिन नामालूम बंदूक बरदार, पता नहीं वो कहां से आए, किस रास्ते से आए, और ये भी पता नहीं है कि वो कहां फिर गए। तो उसके बाद शायद 10-15 मिनट के बाद फिर पुलिस आई, यहां पर आर्मी आई, और उसके बाद जब हमें लग रहा था कि अभी जख्मी है तो हमने उसे गाड़ी में भर दिया, और गाड़ी में भरने के बाद हमने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया, और जब हॉस्पिटल पहुंचा तो हॉस्पिटल वालों ने, वहाँ पर डॉक्टर ने उसकी डेथ करार दी गई। पहले शुरुआत में बीजेपी के साथ मरवाविश्ता थी, लेकिन अब पता नहीं कि कौन सी पार्टी में थी। टेररिज्म अभी भी हमारे यहाँ कायम है, अब वो बीजेपी का हो या किसी और का हो, बेगुनाह है क्या उसको हक नहीं है? इस मुल्क में तो हक है हर एक को, किसी भी पार्टी का मेंबर हो सकता है, मगर किसी को खास टारगेट करना, मैं समझता हूँ ये इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्या ये टेररिस्ट ने मारा है या हमारे लोगों ने मारा है, क्योंकि यहाँ को पता नहीं चलता कि मारने वाला कौन है। इससे पहले कि हम उंगली किसी के ऊपर उठाएं, इसको फौरन इन्वेस्टिगेट कीजिए और ये मालूम कीजिए किसने किया है। इसके साथ साथ पहलगाम में कुछ टूरिस्ट पे हमला हुआ है, हाँ, और जिसमें मैं देख रहा हूँ जो एक मेरे ख्याल से दो जख्मी हो गए, लेडीज एक परा है एंड सेकंड वन इज तबरेज, दे आर इंजर्ड। हाँ, दे आर इंजर्ड, दिस इज ट्रेजेडी, इट इज इफेक्टिंग आवर वेरी, हमारे जो टूरिज्म इंडस्ट्री है इसको ये टारगेट कर रहे हैं, इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी कर रहा है वो हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रहा है। इसे मैंने कहा कल भी कि जब तक ये टेररिज्म बंद नहीं हो सकता होगा, तब तक कोई बातचीत हमारे पड़ोसी से नहीं होगी, और पड़ोसी का इसमें कोऑपरेट करना पड़ेगा कि कौन है जो उनके जमीन से यहां आके हमारे बेगुनाहों को मार रहे हैं। ये बहुत जरूरी है, और मैं जरूर इंटरनेशनल प्रेशर में इन पर चाहता हूं लगाया जाए कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बाहर की हो, इन्वेस्टिगेट करें कि ये क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है और बेगुनाहों को क्यों मारा जा रहा है।
एक दुखद घटना है, खास करके इलेक्शन के आसपास और उसके दौरान इस प्रकार का प्रयास किया गया है कि लोगों को मतदान करने में वादा डाली जाए, वहां पर इस प्रकार की लोगों में दहशत फैलाई जाए। और पाकिस्तान से आए हुए घुसपैठिए या उनके द्वारा प्रेरित लोग जो वहां पर भी आज आतंकवाद को हवा दे रहे हैं, काफी हद तक उनको सुरक्षा बलों ने मार गिराए, काफी तादाद उनकी घटी। लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो स्वाभाविक बात है कि दुख होता है, और खास करके जानबूझ करके जो व्यक्ति किस पार्टी से जुड़ा है, क्या है उसका, तो उसी कारण से इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कुछ राजनीतिक पार्टियां जो बार बार पाकिस्तान की बात करती हैं, 370 दोबारा लाने की बात करती हैं, वहां पर कश्मीर में लोगों में असमंजस की स्थिति पैदा करने की बात कही है, वो भी कहीं ना कहीं कसूरवार है, इसके लिए ये मानना पड़ेगा। मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और मुझे उम्मीद है कि सुरक्षा बल जल्द ही इस प्रकार के जो कौन लोग थे उनको ढूंढ निकालेंगे और मार गिराएंगे।